हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने वाले हैं जो कि आपकी क्लास टेंथ में है। ठीक है, तो देखिए आप क्लास 9 से आप क्लास टेंथ में अब आ चुके हैं। ठीक, और आप आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए यदि आपकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है तो देखिए आपका पूरा क्या साल बहुत अच्छे तरीके से जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। देखिए इसमें क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। ठीक, और आप HCF निकालना तो जानते ही होंगे, क्लास 6-7 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप क्या निकालना है, आपको यूक्लिड के हिसाब से निकालना है। ठीक है, जो आपकी यूक्लिड हैं उनके तरीके से आपको इसका HCF निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको इसके बारे में जान लेना है। ठीक है, आप देखिए HCF तो निकालना जानते हो। HCF क्या होता है, ऐसा संख्या होती है जो इससे भी कट जाए और ये भी कट जाए। ठीक है, ऐसी आपको संख्या निकालना है HCF की कि दोनों ये डिवाइड कर दे। ठीक है, वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक, देखिए पहले आपको इसे समझिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, दोनों संख्याओं को हमको लिख लेना है वैसे ही। ठीक है, और जो हमारी बड़ी संख्या है उसकी तरफ हमको ग्रेटर देन का इक्वल यानी कि चिन्ह लगा देना है, सिंबल लगा देना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है हमारी ये संख्या क्या है, हमारी इससे बड़ी है। ठीक, अब इसको क्या करना है, आपको HCF करना है। तो देखिए जैसे आप इसका HCF करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो 135 दिखा हुआ यानी कि 135 क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और जो लास्ट में जिससे हम डिवाइड पूरा हमारा जीरो आ जाए, और जहां आपका जीरो आ जाए, जैसे ही रिमाइंडर आपका क्या आ जाए जीरो, तो वहीं से आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है और वहीं आपका फाइनल आंसर भी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इसको हम इसमें डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में, यहाँ लिखेंगे 135, नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, देखिए जो आपने जिससे डिवाइड किया था फिर उसमें क्या करना, आपको डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर आ जाए फिर उसमें क्या करना, आपको डिवाइड करना है, जैसे 135 लिख लिया। ठीक है, यदि जब तक जीरो ना आए। ठीक है, अभी इसका देखिए, इसका भी रिमाइंडर आएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में, यहाँ कितना आ जाएगा, 90, यहाँ कितना बचेगा हमारा, 45। ठीक है, अब देखिए हमारा कितना 45 आ गया है, अब जिससे हमने डिवाइड किया था फिर उसको यहाँ लेकर आना है आपको। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 90। ठीक है, डिवाइड तो आप जानते होंगे क्या है, हमारा HCF है, और LCM भी निकालना आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसको भी नहीं जानते तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको भी हम क्या करते हैं, सिखा देंगे आपको। ठीक है, अब देखिए ये कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में, अब यहाँ आ जाएगा हमारा 90, यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए जहाँ से हमारा 0 आ जाए और जिससे हमने लास्ट में इसको कट किया है, यानी कि हम देखिए 45 से कट किया है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं 45 हमारा क्या है, फाइनल आंसर। पर आपको क्या करना है, यूक्लिड के डिवीजन लेमा के हिसाब से आपको क्या बना, इसको बताना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, आपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया 135 ग्रेटर दैन 225। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है जिसमें हमने डिवाइड किया है उसको यहाँ आपको लिखना है। देखिए हमने इसको मैं डिवाइड किया था ना पहले 225 में, तो हमने लिख लिया 225 इक्वल टू चिन्ह लगा दिया। हमने किससे डिवाइड किया है, 135 से, तो यहाँ लिख देंगे 135। कितने टाइम्स किया है, 1 टाइम्स में। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 90 बचा था। ठीक है, इतना लिख देना आपको। सेकंड लाइन में क्या लिखना है, देखिए अभी आपका क्या हो जाएगा, नया डिवाइजर आएगा। ठीक है, जो हमने डिवाइजर हमने कितना 135 था, इस बार नया डिवाइजर आएगा, डिवाइडेंड क्या है हमारा इस बार 135, यानी कि जो आपका जिससे आपने पहले डिवाइजर किया है वो हमारा इस बार क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 135। इसको हमने किससे डिवाइड किया है, यानी कि डिवाइड हमने किया है 90 से। ठीक है, कितने टाइम्स किया है, 1 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 45 बचा है। ठीक, अब देखिएगा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 90 हमने किससे डिवाइड किया, 45 से। ठीक है, कितने टाइम्स किया है, 2, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 0। देखिए जैसे कि हमने बताया, जैसे आपका रिमाइंडर क्या बचा है, 0 आ जाए, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 45 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको आंसर निकाल लेना है इसका। ठीक, और यही इसी तरह का मेथड आपको पूरा करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, इतने आपको स्टेप भी करने हैं। ठीक, अब यदि आपका देखिए पहले आप सीधे सीधे ये तरीके कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सीधे सीधे यहाँ लिख देना है, ये आप लिखिए चाहे ना लिखिए, पर ये ज़रूरी है आपको लिखना है। ठीक है, अभी आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसी का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है 196 में, देखिए किसका डिवाइड किया है और क्या है, 196 है और 3822 0 है। ठीक है, अभी देखिए इसमें हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है हमारी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे।
ठीक है। तो एस सी एफ के तरीके से तो यहाँ लिख दिया हमने 196, यहाँ लिखेंगे 38 22 0। कितने टाइम से जाएगा पहले ये बताइए, दो टाइम से जाएगा कि नहीं जाएगा? शायद से नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं हम एक टाइम पहले लेते हैं। यहाँ कितना जाएगा 196, यहाँ बचेगा हमारा 6, यहाँ कितना बचा हमारा बताइए 8 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है 186 आ जाएगा यहाँ। अब क्या करना है आपको, इसको 2 को उतारना है, क्योंकि अभी हमारा पूरा डिवाइड इसमें नहीं हो पाया है, इस 2 को भी नीचे उतार लीजिए, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, 9 टाइम्स में, ठीक है 9 बार में जाएगा। यहाँ कितना जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी माइनस करना है, जैसे आप इसको माइनस करें यहाँ कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा बचा 5, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अभी हमारा 0 बचा है, तो इस 0 को भी यहाँ उतार लीजिए, ऐसे करके सीधे सीधे आपको पहले डिवाइड कर देना है, जब तक इसका पूरा ये कट ना जाए, ठीक है। देखिए इसमें हमारा फाइनली कट जाएगा शायद से 2 टाइम्स में, यानी कितनी टाइम्स में जाएगा ये बताइए, यहाँ 5 टाइम्स में जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 टाइम्स इसमें 0 8 और 9 आ जाएगा यहाँ, तो फाइनली हमारा देखिए 0 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पूरा पूरा हमारा कट रहा है। देखिए आप इसको दो ही स्टेप में आंसर आपका आ जाएगा, पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, जो हमारी ग्रेटर दैन वैल्यू इसमें हमको डिवाइड करना है 38 22 0, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, 38 28 0 में डिवाइड किया है, किसका किया है, 196 किया है, कितने टाइम्स में किया है, 195 टाइम्स में किया है, ठीक है। और आपका रिमाइंडर कितना आया है यहाँ पर बताइए, रिमाइंडर आया है आपका 0, ठीक है। तो आपका यहीं सॉल्व आ जाएगा, और जिससे आपने डिवाइड किया है वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 196, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जहाँ जो प्रॉब्लम हो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है, ताकि आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और आगे क्वेश्चन आप अपने मन से कर पाएँ, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 867 यानी कि 867 में है और 255 है। अब देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है हमारी, तो ये वाली ग्रेटर है, ठीक है। तो हमने इधर इसमें क्या करना है, इस बार इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है। किसका क्या करना है, 255 का डिवाइड किस में करना है, 867 में करना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमने लिख लिया है, तो हम क्या करते हैं 255 में डिवाइड करते हैं 867, कितने टाइम्स जाएगा बताइए आप, 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 355 15, 355 16, 16 आ जाएगा, 326 6 7 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ 0, यहाँ 1, कितना आया 102, ठीक है। अब देखिए ये तो फाइनली हमारा कट चुका है, ये क्या बचा, हमारा रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो आप यहाँ पहला स्टेप लिख लीजिए, 867 ग्रेटर दैन 255, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे आपने, 867 में आपने डिवाइड किया है ना, ठीक है, और कितने किया है, 255 का किया है, कितने टाइम्स में किया है, 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, 102 बचा है, इतनी चीज़ आपको लिख देना है। फिर थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, जो आपने जिससे डिवाइड किया उसमें क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, इस बार जो रिमाइंडर आया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे हम 255, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 255, कितने टाइम्स में जाएगा ये, 2 टाइम्स में, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिखेंगे कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ कितना बचा, 5 बचा है, ठीक। अब देखिए हमारा सेकेंड स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम्स से आपने किया है इसमें डिवाइड, 102 से किया है, कितने टाइम्स में, 2, कितना रिमाइंडर आया है, 51 आया है, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है, किससे करेंगे, 102 से करेंगे, तो 102 यहाँ लिख दिया, कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, यहाँ आ जाएगा 102, देखिए फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको, अब देखिए यहाँ से आपके सारे स्टेप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आप रिमाइंडर आप 0 ला चुके हैं, तो यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हमने हिसाब से लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखेंगे, यहाँ जो अपना रिमाइंडर आया था, यानी कि हमने जिससे डिवाइड किया था, वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 102 आ जाएगा, ठीक है। किससे डिवाइड किया है, 51 से किया है, कितने टाइम्स में किया है, 2 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना बचा, 0। ये स्टेप आपको सारे लिख देना है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये हम आपको क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, जो आपका फाइनली लास्ट में रिमाइंडर आया हुआ था, जिससे आपने डिवाइड किया है, जो आपका डिवाइडेंड लास्ट में आया हुआ है, जिससे आपने 0 लाए हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको आंसर निकाल लेना है इसका भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या कह रहा है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन, क्या है सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव, वेयर क्यू क्या है सम इंटीजर है, यानी कुछ भी आपको ले लेना है क्यों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है हमारा, किसके एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या है ऑड इंटीजर लेना है आपको। हम किसकी मदद से करेंगे इसको भी, बाई यूक्लिड की मदद से करेंगे, किसकी मदद से करेंगे यूक्लिड डिवीजन के लिए ऐसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप यूक्लिड डिवीजन, लेमा लिख लीजिए या तो एल्गोरिथम लिख लीजिए, ठीक है कुछ भी आपको लिख लेना है, यहाँ आप एल्गोरिथम भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख देना है आपको यहाँ, ठीक है लेमा की जगह एल्गोरिथम, ठीक यानी कि आपको इतना ज़रूर लिखना है यूक्लिड डिवीजन ज़रूर लिखना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है हमारा, इसकी इक्वेशन क्या होती है ये समझना आपको ज़रूरी। तो ए इक्वल टू क्या होती है बी क्यू प्लस आर होती है, ये आपकी इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और 1.1 जो आपकी जो थ्योरम है ये भी कहती है, ठीक है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ आर क्या होता है बी से छोटा होता है, ठीक है आर क्या होता है हमारा बी से छोटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे जीरो से तो हमारा क्या होता है आर बड़ा होता है, और क्या होता है बी से छोटा होता है, ठीक है ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और इसी का हम क्या करेंगे दो तीन चार पाँच सभी क्वेश्चन में इसको आप यूज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक। अभी आगे देखिए बी हमारा किसके इक्वल टू में हो जाएगा सिक्स इक्वल टू में, कैसे क्योंकि देखिए क्योंकि पहले हमारा क्या लिखा है हमने बी लिखा है, अब बी हमने यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बी इक्वल टू में क्या लिख लिया सिक्स लिख लिया, और आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा सिक्स से कम वाली संख्या, ठीक है क्योंकि बी हमारा क्या है आर से छोटा है। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू थ्री फोर और यहाँ क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा, ठीक है इतना आ गया आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो देखिए आर क्या है हमारा, अभी इसको देखिएगा ए बी क्या है हमारा सिक्स है, तो हमने सिक्स लिख दिया क्यों तो हमारा कुछ नहीं है तो क्यों रहने देना ऐसे ही, प्लस आर क्या है हमारा जीरो है, ठीक है तो हमको यहाँ जीरो लिख देना है, ठीक है। तो फाइनली आपका ए इक्वल टू क्या आ गया सिक्स क्यू, ठीक। अब देखिएगा सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये भी क्या बनेगी हमारी ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ठीक है इसमें आपकी देखिए बी की वैल्यू तो सिक्स रहेगी सब में ही, तो यहाँ लिखेंगे हम सिक्स क्यों और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार वन हो जाएगी क्योंकि हम एक एक स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ प्लस वन लिख दिया, ठीक। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी देखिएगा, थर्ड इक्वेशन हमारी बनेगी ए इक्वल टू में सिक्स क्यों प्लस में क्या हो जाएगा इस बार टू हो जाएगा, होगा कि नहीं देखिए पहले हमने लिया जीरो फिर यहाँ लिया हमने वन यहाँ लिया हमने टू, ठीक। कब तक लेना है आपको, जब तक हमारा फाइव ना आ जाए। अभी आगे देखिए हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल टू में सिक्स क्यू प्लस में थ्री बन जाएगी, ठीक है। और फिफ्थ इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ए इक्वल टू में सिक्स क्यू प्लस में फोर बनेगा, ठीक है। और सिक्स इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ए इक्वल टू में सिक्स क्यू प्लस में फाइव, ठीक। अब देखिए प्रूफ करने के लिए क्या पूछ रहा था, ऑड इंटीजर पूछ रहा था, ठीक है। और क्या कह रहा है सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव। अब देखिएगा हमारा ऑड इंटीजर कौन से हैं, वन है थ्री है और फाइव है, तो हम क्या ले लेंगे आपको ये इक्वेशन ले लेना है वन वाली और थ्री और फाइव वाली, यही आपको प्रूव करना था, हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर, देखिए एक आर्मी है जिसमें क्या है 616 मेंबर हैं और टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, और ये किसके पीछे मार्च कर रहे हैं आर्मी बैंड पीछे, और जिसमें कितने हैं 32 मेंबर यानी कि 32 मेंबर हैं इन परेड, ठीक है परेड में। द टू ग्रुप आर मैच, देखिए टू ग्रुप आ रहे हैं कि नहीं, देखिए एक ग्रुप ये है और एक दूसरा ग्रुप ये है, ठीक है। टू मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ द कॉलम यानी कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम विच दे कैन मार्च, देखिए आपको क्या बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं जिसमें ये दोनों ही मार्च कर पाए, ठीक है। और जहाँ दोनों की बात आ जाए, देखिए टू ग्रुप की बात आ जाए तो हमारा क्या लगता है HCF लगता है, ठीक है। और देखिए आप जान रहे होंगे कि हमारी HCF की ही बात हो रही सभी में, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, सेम उसी प्रकार जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वन किया है मान के चलिए, इसको भी इसी तरह कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमने 616 लिख दिया, और कितने मेंबर, देखिए ये भी मेंबर है। ठीक है, और कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं। आपको क्या बताना है, ऐसे इतने कॉलम बन सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नंबर अपने मार्च कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा 616 है, यहाँ 32 मेंबर हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर हमारी संख्या किधर है, बड़ी ज़्यादा ही है, 616 बड़ी है। ठीक, अब देखिए जैसे हमको ये पता चल गई ये बड़ी, तो हम क्या करते हैं 32 का इसमें इससे निकालते हैं, इसमें डिवाइड करके, तो हम सीधे सीधे इसमें 32 में डिवाइड कर देते हैं, 616 में 32 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स पहले जाएगा ये बताइए, हमारा एक ही बार तो जा रहा है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने 32, यहाँ कितना जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 6 को नीचे उतार लेना है वैसे वैसे। ठीक, अभी क्योंकि हमारा फाइनली पूरा डिवाइड नहीं हो पाया था, हमने यहाँ 1 लिखना भूल गए। देखिए अब कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स में। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ, 9 2 18 और 9 3 27 और 20 यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बचेगा हमारा माइनस करने पर, 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 8 आया है। हम इसमें 8 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 32 का डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि हम इसी से डिवाइड कर रहे थे पहले, और जिससे हम डिवाइड करते चले जाते हैं उसी का हम डिवाइड इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख दिए, 32, ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका है। ठीक है, यहाँ कितने टाइम्स में जाएगा, 4, यहाँ लिख देंगे 32, यहाँ आ जाएगा फाइनली आपका 0। अब देखिए जहाँ से आपका 0 आ जाए वहीं से आपको स्टॉप कर देना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए आपने पहला स्टेप तो ये लिख दिया होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 616 में कर रहे हैं। ठीक है, किसका कर रहे हैं, 32 का कर रहे हैं, कितने टाइम्स में किया है, 19 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना आया था हमारा, 8 आया था। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको लिख देना है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, कि हमने इस बार किससे किया, 32 से डिवाइड, हम यहाँ 32 लिख देंगे। ठीक है, किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, रिमाइंडर से ही करते हैं, कितने टाइम्स में किया है, 4 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना आया, 0 इस बार आया, जहाँ 0 आ जाए वहीं आपका ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फाइनली लास्ट में रिमाइंडर आया वही क्या हो जाता है, हमारा आंसर होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आपका देखिए किस में पूछ रहा था आंसर, कॉलम में पूछ रहा था, कितने कॉलम बनेंगे हमारे, 8 कॉलम बनेंगे, जिसमें हमारी जो आर्मी है मार्च कर पाएगी। ठीक, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, किसका यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है आपको, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या शो करना है कि कोई, देखिए क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, और इंटीजर इज आइदर फॉर्म 3m, किसके फॉर्म में होगा, 3m, 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, m कुछ भी हो सकता है, पर क्या लाना है आपको, 3m और 3m प्लस 1 लाना है, किसके फॉर्म में लाना, ए स्क्वायर के। ठीक है, देखिए अभी हमारी इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन की क्या होती थी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बाई यूक्लिड डिवीजन, इसको नहीं लिखना आपको, लेमा लिख देना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है इसकी बताइए, अब जिसे हमने को बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही इक्वेशन इसको भी यूज करना है, ए इक्वल टू क्या होती है, बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, और आर हमारा क्या होता है, आर हमारा होता है 0 से बड़ा होता है और इक्वल में भी होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, बी हमारा आर से बड़ा होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको पता ही हैं पहले से ही। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिया गया है, 3m दिया गया है, देखिए क्योंकि जगह क्या लिखा हुआ, m लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है यहाँ, तो हम b इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे भी कैसे, क्योंकि हमारा स्क्वायर दिया गया है ना, सीधे सीधे आप यहाँ समझिए, स्क्वायर से समझिए। ठीक है, और कहीं आपको जाना नहीं, देखिए स्क्वायर दिया गया है तो हम r इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1 2, ठीक है, 0 1 2 तक जाएंगे, क्योंकि देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारा, 2 होता है, होता है कि नहीं 2, तो क्या करते हैं हम स्क्वायर तक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या लाना है, ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है इसको, तो कैसे आप निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लेना है, आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर बनेगी। ठीक है, अब यहाँ आप वैल्यू रख देंगे आप, ठीक है, तो ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, बी क्यू प्लस आर है, तो बी की जगह हमने क्या लिखा, 3 लिखा, और क्यू तो वैसे रहने देना है, प्लस आर की जगह हम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको ए इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हैं, फाइनली 3q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब क्या करना है आपको, देखिए स्क्वायर दिया गया है ना आपको, क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर
ऑन बोथ साइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको देखिए स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है आंसर, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताइए ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से थ्री थ्री या नाइन आ जाएगा और क्यों का क्यों स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है, थ्री एम का लाने के लिए, तो आप थ्री एम कैसे लाएंगे? देखिएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिया, थ्री कॉमन ले लिया है, अंदर कितना बचा हमारा, थ्री बचा और क्यों स्क्वायर बचा है। अब देखिए जो आपने थ्री क्यों स्क्वायर लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको देखिए एम कह रहा था ना, एम कह रहा है फॉर सम इंटीजर एम, यानी ए इंटीजर हो सकता है एम आपका, तो ए स्क्वायर आपकी इधर क्या आ जाएगा इक्वल टू में थ्री एम आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे आप वेयर एम इक्वल टू में थ्री क्यों स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इंटीजर हो गया। और आपको यही प्रूव करना था स्क्वायर में ए स्क्वायर इक्वल टू में थ्री एम, क्योंकि देखिए स्क्वायर में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको स्क्वायर मिलाना है, क्यूब में कहे तो आपको क्यूब मिलाना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फिर आप लिखेंगे वही चीज़ ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और बी की जगह क्या लिखेंगे आप, थ्री लिखेंगे, क्यों की जगह क्यों लिखने दे दें, और आर की जगह में क्या आ जाएगा हमारा वन आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अभी देखिएगा, देखिए यहाँ हमारा b इक्वल टू में तो सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, r इक्वल टू में भी सही लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, ठीक है। तो जैसे a इधर क्या हो जाएगा a इक्वल टू में थ्री क्यू प्लस वन, जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमारा स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। और जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा देखिए ये तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और कहीं कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बात एक ही है, ठीक है, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको आप इधर लिखिए, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, जैसे आपने इसका स्क्वायर कर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और थ्री क्यों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, नाइन क्यों स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जैसे आपने अभी इधर लिखा था थ्री क्यों का स्क्वायर कितना आ जाएगा, नाइन क्यों स्क्वायर, ठीक है। देखिए थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन, और क्यों का स्क्वायर करेंगे तो क्यों स्क्वायर प्लस लगा दीजिए, टू रहने दीजिए। उसी प्रकार ए हमारा कितना है, थ्री क्यों है, बी कितना है, वन है, प्लस में वन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से नाइन क्यों स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा, सिक्स क्यों आ जाएगा, ठीक है, टू थ्री या सिक्स प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से वन आएगा, ठीक है, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। अब देखिए लाना क्या है आपको, थ्री एम प्लस वन लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे देखिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या किया, यहाँ से थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, थ्री क्यों स्क्वायर बचा कि नहीं बचा बताइए। जैसे आप थ्री थ्री के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री क्यों नाइन क्यों स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना कॉमन लेंगे हमारा, ये बन जाए थ्री, थ्री इसमें से कॉमन में लेंगे टू आ जाएगा, यहाँ क्यों का क्यों रहेगा, और वन से तो हम नहीं ले सकते तो वन को वैसे रहने दीजिए। अब देखिए जो आपने इतना कॉमन लिया इसकी इक्वल टू में क्या लिखना है आपको, एम लिख देना है, बस आपका फाइनल ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर में कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, थ्री एम, और जो आपने यहाँ वन लिखा तो इसको यहाँ वन लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप वेयर एम इक्वल टू में क्या है हमारा, थ्री क्यों स्क्वायर प्लस में टू क्यों, ठीक है, बस हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ से लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए इसमें भी यूज करना है वही चीज़, टू शो, क्या शो करना है, डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इसमें क्या था, स्क्वायर था एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या है, क्यूब है हमारा, ठीक है। इज ऑफ द फॉर्म, किसमें फॉर्म में आपको लाना है, नाइन एम, नाइन एम प्लस वन और नाइन एम प्लस एट लाना है, ये चीज़ आपको लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फोर किया है वैसे सेम इसको भी करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेते हैं, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है सबसे पहले तो, ठीक है, इतना लिख लिया आपने। इक्वेशन आपको क्या होती है ये लिख देना है, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और आर क्या होता है हमारा, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है और बी से छोटा होता है, ठीक है।
और देखिए अभी हमारी बी की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बी की वैल्यू तो आपकी 3 होगी क्योंकि देखिए क्यूब कह रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी से कम, तो 0, 1, 2, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2 होगी, ठीक है, इतना आपको समझ लिया आपने। अब देखिए हमारी पहली इक्वेशन यहाँ लिख लिया हमने, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर होगी, ठीक है। तो देखिएगा तो जैसे आपको क्या कह रहा है, क्यूब कह रहा है, तो ए इक्वल टू में आपने क्या लिखा, बी की जगह में हमने लिखा 3 और क्यू को क्यों रहने देना है प्लस, ठीक है, आर की जगह हम क्या लिख दिया आपने, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ आपने 0 लिख दिया, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 क्यों आ गया। अब देखिए कह रहा है हमको क्या करना है, क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपको जो ए लिखा है इसको क्यूब बनाना है सबसे पहले, ठीक है। तो यदि आप क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ करना होगा, एक तरफ तो होगा नहीं क्यूब, क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। जैसे आपने इतना लिखा तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यूब इधर कितना हो जाएगा, 3 क्यू का क्यों आप क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ भी आपने लिखा एक ए का क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा कि नहीं, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और क्यू का क्यूब करेंगे तो यहाँ से क्यू क्यूब आ जाएगा। अब देखिए लाना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको 9m लाना है, तो 9m आप कैसे लाएंगे, देखिए ए क्यूब इक्वल टू हमने क्या किया, 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 9 3 27, और क्यों क्यूब लिख दिया। अब देखिए जो आपने 3 क्यों लिखा है इसको हम क्या लिख लिया, m मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू में 9m, और यहाँ आप लिख देंगे लास्ट में वेयर m इक्वल टू में 3 क्यू क्यूब लिख दिया, बस हो गया यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ, ठीक। आपको देखिए नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में प्रूफ करना है आपको 9m+1, ठीक है, क्या करना है, 9m+1 लाना है, ठीक है, कैसे लाएंगे, सेम इक्वेशन फिर यहाँ से यूज हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू में बी की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्यों तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और इस बार आर की जगह आप क्या लिखेंगे, इस बार 1 लिख दिया, ठीक है, वैल्यू आपने पुट कर दिया। क्या करना है, क्यूब करना है दोनों तरफ ही आपको करना है ना क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे आप क्यूब ऑन बोथ साइड लिख दिया, ठीक है। जैसे आप इसका क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो ये कितना आ जाएगा, ए का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, ए का होल क्यूब इक्वल टू में 3q+1 का होल क्यूब हो जाएगा, होगा ना इतना ही। अभी देखिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, ए प्लस बी होता है, तो यहाँ लिख देंगे आप ब्रैकेट में ए प्लस बी, और जो हमारा ब्रैकेट होता है यहाँ इसका पूरे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, यूज कर देना है फार्मूले का ही, तो यहाँ से आप फाइनली क्या लिखेंगे, ए की जगह हमारा कितना है, 3q का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a की जगह हम क्या लिखेंगे, हम 3q इंटू में बी की हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे वैल्यू, और ब्रैकेट में 3q+1 लिखेंगे, हमारा यही तो है ए और बी, तो हमारा यही है ना, देखिए ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ ए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी आगे देखिए, आगे जैसे आप करेंगे इसको 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27, और क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू क्यूब आ जाएगा, ठीक, प्लस में 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का घन कितना हो जाएगा, एक ही होगा, प्लस में 3 3 9 और 9 1 9 आ जाएगा, और क्यों वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप 3q+1। अब देखिए जो हमारा 9 आया है इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक बार और लिख लेते हैं 27q³+1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 9 3 27, यानी 27q से क्यों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, और जैसे आप इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9q आ जाएगा। अब देखिएगा आपको प्रूव क्या करना है, 9m+1 ये आप कैसे लाएंगे, देखिएगा क्या करना है आपको, टोटल में से 9 कॉमन ले लेना है, यहाँ जैसे आप कॉमन लेंगे यहाँ कितना आ बचेगा, 3 बचेगा, और क्यों क्यूब बचेगा, यहाँ से तो आप ले नहीं सकते, इसको आप लास्ट में रखिएगा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो केवल क्यों बचेगा, और जो हमने 1 लिया था यहाँ लास्ट में लिख देंगे 1, ठीक। अब जो आपने लिखा है इसको पूरे को क्या मान लेना है आपको, एम मान लेना है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 9m, और जो लास्ट में आपने लिखा है 1, तो यह आ जाएगा 1। देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से इसको प्रूव कर दिया है, बस इतना सब कुछ आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि देखिए आपका क्यूब कह रहा है, देखिए ए क्यूब जरूर होना चाहिए, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, ठीक है,
तो हमने लिखा ए क्यूब, यहाँ देखिए हमने ए क्यूब तो ऊपर चला रहा है ना, देखिए तो अब यहाँ ए क्यूब डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे वेयर, आप एम की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से कि एम इक्वल टू में क्या है हमारा, थ्री क्यू क्यूब प्लस में थ्री क्यू स्क्वेयर प्लस में क्यों है, ठीक इतना आपको लिख देना है। ठीक ये हो जाएगा हमारा पहला। और दूसरा भी आपको क्या प्रूव करना है, ये देखिए 9m प्लस 8 प्रूव करना है। तो इसको भी देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी क्या करना है, सेम यही प्रोसेस आपको करना है इसमें भी। ठीक है देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 9m प्लस आपको 8 ये प्रूव करना है। ठीक है हम क्या इक्वेशन लेंगे, वही इक्वेशन सेम इक्वेशन लेंगे, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर लेंगे। ठीक है और इस बार बी की वैल्यू क्या होगी, सेम 3 होगी और आर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक इतना आपको लिख देना, देखिए हमने 1 रख चुके हैं, 0 भी रख चुके हैं और इस बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है तो जैसे आप करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू में बी की जगह कितना आ जाएगा, 3 क्यू ऐसे रहेगा प्लस आर की जगह में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, क्यूब करना है दोनों तरफ, क्यूब ऑन बोथ साइड लिख दिया हमने। ठीक है दोनों तरफ ही क्यूब कर दिया, जैसे आप ए का क्यूब करेंगे तो यहाँ ए का आ जाएगा होल क्यूब प्लस लगा दीजिए 3, यहाँ सॉरी प्लस नहीं इक्वल लगाएंगे, 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, वही यूज कर देना यहाँ भी, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 ए बी होता है। ठीक है और ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है और ए और बी क्या है हमारे, ये ए है और ये क्या है, बी है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अभी आगे देखिएगा, जैसे आपने लिखा इसको ए क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जैसे आप 3 का क्यूब लिखेंगे यहाँ, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ए बी। तो देखिए 3 ए क्या है, 3 क्यू है, बी क्या है, 2 है। ठीक है और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3 क्यू प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिएगा ए क्यूब हमको वैसे रख देना है और 3 का जैसे आप क्यूब करेंगे तो 27 और क्यू का क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू क्यूब प्लस में 1 रहने देना है, वैसे जैसे आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है प्लस 3, 3 2 जै 6 नहीं 3 3 जै 9 2 जै 18, क्या करना है सभी का गुणा करना है। आप सीधे सीधे तीनों को गुणा कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हमारा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है तो हमने क्यों लिख दिया, आपको स्टेप बाई स्टेप ही चलना है। ठीक है इसी प्रकार इसको भी लिख देना है ब्रैकेट में। अभी देखिएगा आगे ए क्यूब इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 क्यू क्यूब तो रहेगा ही। देखिएगा हमने यहाँ 1 क्यों लिख दिया, देखिए गलती हो गई थी हमारी, ए की हमने क्या लिखा, बी की जगह हमने 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा 2 लिखा हुआ है, यहीं हमारा रॉन्ग हो जाता अभी क्वेश्चन। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है यहीं गलती हो जाती हैं, कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 8 आएगा प्लस, जैसे आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 54 और क्यों का क्यों से करेंगे कितना आ जाएगा, क्यों स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्यों से क्यों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों स्क्वायर प्लस में लगा देंगे और जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18 2 9 36 क्यों हो जाएगा, क्यों का क्यों हमने लिख दिया। ठीक बस ये हो गया आपको फाइनल मल्टीप्लाई। अभी देखिएगा ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, लाना क्या है आपको, 9m प्लस 8 लाना है, क्या लाना है, 9m प्लस 8 लाना है। ठीक है तो देखिए आपको क्या करना है, 9 यहाँ से पूरे में कॉमन ले लेना है और जो बचे उसको ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है जैसे यहाँ से 9 हमने कॉमन लिया कि यहाँ के 3 बचेगा। ठीक है यहाँ कितना आ जाएगा, क्यों का क्यूब रहेगा क्योंकि हम देखिए क्यों तो कॉमन नहीं ले रहे हैं, प्लस यहाँ से 8 क्यों कॉमन नहीं होगा किसको हम बाहर कर लेते हैं सबसे लास्ट में, 54 में से कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है यहाँ कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा क्यों का। ठीक और जैसे 36 में कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और क्यों का क्यों रहेगा, ब्रैकेट वगैरह दीजिए बंद और जो हमने 8 नहीं लिया तो कॉमन उसको रख देंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है इतना समझ में आ गए। अब देखिए जो हमने ये पूरा लिया इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लिया, लेट कर लिया है। ठीक है तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9m और जो हमारा 8 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ये देखिए हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, यहाँ लिखेंगे वेयर m इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, 3 क्यू क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वेयर प्लस में 4 क्यू आ गया, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। और यहाँ लिखेंगे आप हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से ख़त्म हो जाती है। यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो क्या करना है, आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें और आगे आप बढ़ते रहें। ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग।